दोस्तों क्यों पता है, लिज्जत पापड़ की शुरुआत आज से करीब 62 साल पहले किसी MBA स्टूडेंट ने नहीं बल्कि 7 साधारण औरतों के द्वारा 80 रुपए कैपिटल से किया था। और आज इस कंपनी के टर्नओवर 1600 करोड़ है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में अपनी बिजनेस फैला चुकी है। और इसी के जरिए देश के 45,000 से ज्यादा औरतों को रोजगार भी मिलता है। ये पापड़ जितना स्वादिष्ट है उससे कई गुना ज्यादा इंस्पायरिंग इसकी आज तक की सफर का कहानी है। तो सवाल यह है कि आखिर लिज्जत की बिजनेस की मॉडल को एप्पल और स्टारबक्स की बिजनेस के मॉडल के साथ कंपेयर क्यों किया जाता है, और ये कंपनी आखिर ऐसी क्या गलती कर रहा है जिससे कंपनी घाटे में जाने के चांसेस है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस मंत्रास है जिसे आप इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेहमानों को खुश कर जाए, मजेदार लज्जतदार स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। दोस्तों ये कहानी भारत की आजादी के बाद की है जब भारत दुनिया से बहुत पीछे था। दरअसल उस टाइम एजुकेशन को लेकर इतना अवेयरनेस नहीं था और ज्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई को फिजूल की चीजें मानते थे। खास करके औरतों के लिए पढ़ाई लिखाई तो फालतू ही समझा जाता था, और यही वह वजह था जिसके चलते वोमेन लिटरेसी रेट सिर्फ 8% था। यानी कि उस टाइम भारत में 92% ऐसे महिलाएं थी जो पढ़ लिख नहीं सकती थी। ऐसे में घर के हालत बुरा होने पर उसे सुधारने के लिए महिलाएं कुछ भी नहीं कर पाती थी। और ऐसी मुश्किल वक्त में 15 मार्च साल 1959 में जब 7 गुजराती हाउसवाइफ ने आपस में मिलकर एक नया बिजनेस करने का प्लान बनाते हैं जिससे घर बैठे कोई भी महिला अपनी कुकिंग स्किल से पैसा कमा पाए। लेकिन वो ऐसे काम ढूंढ रहे थे जो दोपहर के 12 बजे से शुरू हो, क्योंकि 12 बजे तक तो उन्हें अपना ही घर का काम खत्म करना होता था। और ऐसे ही बात करते करते फैसला हुआ कि वो पापड़ का व्यापार करेंगे, और उस व्यापार को शुरू करने के लिए उस टाइम के जाने माने समाज सेवी से 80 रुपए उधार लिए। स्टार्टिंग में उन्होंने अपना पापड़ एक छोटे से दुकान से बेचना शुरू किया, लेकिन जबरदस्त टेस्ट और क्वालिटी की वजह से दूसरे दुकानदारों ने भी उन्हीं से पापड़ खरीदना शुरू कर दिया। और फिर डिमांड बढ़ने पर अपने बिजनेस को स्केल करना शुरू कर दिया। और इसी तरह बिजनेस चलने के बाद साल 1962 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम श्री महिला गृह उद्योग और पापड़ का नाम लिज्जत रखा, जहां लिज्जत का मतलब गुजराती भाषा में टेस्टी होता है। इस कंपनी के फाउंडर्स अगर चाहती तो काम करने वाले औरतों को कम पैसे देकर खुद बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाती थी, क्योंकि उस टाइम अनपढ़ औरतों के पास घर बैठे कमाई करने का कोई भी सोर्स नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल दोस्तों उन महिलाओं ने अपने पहली बोर्ड मीटिंग में ये साफ कर दिया था कि इस कंपनी का एम कभी भी पैसा कमाना नहीं बल्कि हमेशा महिलाओं को एम्पावर करना और उसके साथ साथ उन्हें रोजगार देना रहेगा। इसीलिए उन्होंने अपने पास काम करने वाले औरतों को नौकरी पे रखने के बजाय उन्हें कंपनी में छोटे छोटे हिस्सेदारी देना शुरू कर दिया। और इस स्ट्रेटेजी को आज के टाइम में कलेक्टिव ओनरशिप कहा जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो उस कंपनी के हर एम्प्लॉय उस कंपनी का एक छोटे छोटे हिस्से का मालिक होता है, जिससे प्रॉफिट हो या लॉस ये सबका होता है। और यही वो वजह है जिसके कारण लिज्जत में काम करने वाले औरतों को एम्प्लॉय नहीं बल्कि लिज्जत सिस्टर्स कहा जाता है। वैसे यहाँ कुछ पुरुष भी काम करते हैं, वो भी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और अकाउंटेंट की पोजीशन पर, लेकिन उन सबको सैलरी पर नौकरी दिया गया है जहाँ उनका कंपनी के ओनरशिप से कोई भी लेना देना नहीं है। अब आप में से बहुत से लोगों को लिज्जत की एक कलेक्टिव ओनरशिप मॉडल बहुत ही अजीब लगा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये सेम स्ट्रेटेजी यूज करके मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, और उनमें से एक है स्टारबक्स, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी हाउस चेन कहा जाता है। दरअसल लिज्जत की तरह स्टारबक्स में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज के अंदर ओनरशिप का फील आता है, और फिर वो स्टारबक्स को अपना खुद का कंपनी मानकर उसकी ग्रोथ के लिए पूरा मेहनत और लगन से काम करता है। लेकिन स्टारबक्स और लिज्जत में सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि जहाँ स्टारबक्स को कुछ पढ़े लिखे MBA स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा कैपिटल लगा के शुरू किया था, वहाँ लिज्जत को ऐसे महिलाओं ने शुरू किया था जिन्हें MBA का मतलब ही मालूम नहीं था, और यही चीज लिज्जत की सक्सेस स्टोरी को बहुत ज्यादा खास बनाता है। वैसे दोस्तों इस कंपनी का सक्सेस होने के पीछे बहुत से कारण है, उसमें से एक है इसका सप्लाई चेन जो कि बहुत मौजूद होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव है। तो जानते हैं इसका सप्लाई चेन कैसे काम करता है। पहले तो देश भर में अलग अलग लोकेशन में कंपनी के सेंट्रल ब्रांच पर मिल से आटे को लाया जाता है और मसाले देकर गूथा जाता है। इसके बाद हर सुबह इनका बस उन्हीं सभी सिस्टर्स को सेंट्रल लोकेशन पर लेकर आते हैं, जहाँ से वो अपने अपने हिस्से का गूथा हुआ आटा को लेकर उसी बस से वापस घर चले जाते हैं, और फिर वो घर पर ही उसी आटे से पापड़ बनाती है। उसके साथ साथ उन्हें बेसिक ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जैसे कि हाइजीन का ध्यान रखना और रोलिंग करना, और उसी हाइजीन को टेस्ट करने कंपनी के सुपरवाइजर्स हर घर में सरप्राइज विजिट भी करते हैं। उसके बाद पापड़ का स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए सभी लिज्जत सिस्टर्स को एल्युमिनियम का रोलिंग बोर्ड भी दिया जाता है। उसके साथ साथ उनका मिलने वाला हर इंग्रेडिएंट्स आज तक एक ही जगह से आता है, जहां से वो 1959 से खरीदना शुरू किया था, जिसके चलते लिज्जत का हर एक पापड़ का थिकनेस से लेकर स्वाद तक सब कुछ एक ही प्रकार का होता है।
और कुछ इसी वजह से आज दुकान में मिलने वाला लिज्जत का हर एक पापड़ का स्वाद सेम ही होता है, चाहे वो किसी भी घर से बनकर आए हो। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को एकदम पॉजिटिव रखना चाहते थे, तो अकाउंट और फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि सप्लायर से जो उन्हें माल देता था उनसे कभी ये माल उधार में लिया नहीं। सप्लायर से माल लेते ही उन्हें कैश दे देते थे और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको कभी उधार में माल दिया नहीं, उससे माल देते ही उससे कैश ले लेते थे। मतलब कि ये सप्लायर को उधार मांगा नहीं और डिस्ट्रीब्यूटर को उधार दिया नहीं, उससे इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता था, नेगेटिव कैश फ्लो में जाने का कोई चांस ही नहीं। और जितने लिज्जत सिस्टर्स हैं उनको डेली बेसिस पर पेमेंट भी मिल जाता था, वो माल देती थी और रोज का पैसा लेकर जाती थी। ग्रोथ का मॉडल इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि एक आम औरत जो पापड़ रोलर है वो ज्वाइन करती है, उसको भी उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और धीरे धीरे जब अलग अलग डिपार्टमेंट से वो गुजरती है तो वो एक ब्रांच की मैनेजर भी बन जाती है। जैसे कि दुनिया में कोने कोने में उनका ब्रांच है और वही मैनेजर्स में से कुछ आगे प्रमोट होकर इनका जो हेड ऑफिस मुंबई में है वहाँ पर एक 21 मेंबर की कमेटी बनाई है। वो कमेटी मिलकर पूरी देश में व्यापार को चलाते हैं, और क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट है तो जब 21 मेंबर की कमेटी जब डिसीजन लेती है तो कोई फ्रॉड या पर्सनल बेनिफिट जैसी बातें नहीं रहती। और इन्हीं 21 में से कुछ चुनकर कुछ ट्रेजरर बनते हैं, कुछ वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो कुछ प्रेसिडेंट बनते हैं। तो वो वही महिलाएं हैं जो एक टाइम पर पापड़ रोल करती थी और अब वो आगे जाकर कंपनी के प्रेसिडेंट बनकर दुनिया भर में व्यापार को आगे बढ़ाकर आज 50 पैसे की इनकम से लेकर 1600 करोड़ की एनुअल ग्रुप टर्नओवर तक ले जा सकी। तो इस कोऑपरेटिव मूवमेंट ने धीरे धीरे एक कॉमन पर्पस के लिए एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करी, जिससे एक दूसरे को और दूसरे चौथे को जोड़ता चला गया। उनका फोकस मशीन बिल्ड करने पर नहीं था, मैनपावर बिल्ड करने पर था। उनका फोकस कैपिटल ग्रोथ पे नहीं था, कम्युनिटी ग्रोथ पर था, यानी महिलाओं की कम्युनिटी बनाने पे था। उनका फोकस प्रॉफिट पे नहीं था, उनका फोकस था इन पर्पस को कैसे अचीव किया जाए। जैसे कि कोऑपरेटिव वर्ल्ड में प्रॉफिट को बांटा जाता है, तो ये जो महिलाएं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको बोनस के रूप में हर साल प्रॉफिट होने पर उनका गोल्ड कॉइन्स दिया जाता है, जिसको वो बच्चों की शादी या पढ़ाई में भी लगा सकती है या फिर बुढ़ापे के लिए कुछ अपने लिए बचाकर रखती है। ओवरऑल मॉडल कुछ ऐसा है कि इक्वल ओनरशिप इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। आप किसी भी पोजीशन में एक इक्वल ओनरशिप दिया, एक मजदूर को मालिक बनाया। ऐसी कैपिटल ग्रोथ एक ऐसी महिला को जिसने कभी जीवन में पढ़ाई नहीं करी, इससे बड़ी ओमियन एम्पावरमेंट की मॉडल आज तक कभी देश में बना ही नहीं। अब मैं कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ, शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। देखिए, आने वाले टाइम इनके लिए बहुत अनसर्टेन होने वाला है, क्योंकि अब जमाना है इनोवेशन का, ऑटोमेशन का, प्रोसेस ओरिएंटेशन का या ब्लू ओशन का। जो ये सब बातें जानता है, समझदार बुद्धिमान इंसान इसको कभी भी खत्म कर सकता है। देखिए, दो एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। एक बार बैंक से लोन लेकर एक बड़ा व्यापारी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा के मशीन लगा देता है, जिससे पापड़ को रोल करके तैयार किया जा सके। एक बार तो खर्चा हुआ, लेकिन 45,000 औरतों का काम वो सिर्फ 450 या 500 औरतों से करवा लेगा। मतलब आप सोचिए कि वहाँ 44,500 औरतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप मशीन के द्वारा उन्हीं काम को कर दोगे। हो सकता है आज भी लिज्जत की बड़ी ब्रांड वैल्यू हो, लेकिन आज जमाना फिजिकल नहीं रहा, आज जमाना डिजिटल हो गया है। वापस ब्रांडिंग और नया पोजिशनिंग जनरेट करना आज के टाइम में मुश्किल काम नहीं है। कोई भी छोटा हो या बड़ा व्यापारी थोड़ा सा भी उसे मैथ जानता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि इनके धंधे के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, और 45,000 लोगों में प्रॉफिट को शेयर करने के वजह से इनके पापड़ बनाने का कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर आते ही, मशीन लगते ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते ही तुरंत स्केल अप कर लेगा। मशीन के साथ काम भी तेज होगा और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए सॉलिड तरीके से ब्रांड को बिल्ड करे कुछ एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के थ्रू। पुल भी आएगा, पुश भी आएगा और अपने आप धंधा बहुत बड़ा होता जाएगा। इन लिज्जत की महिलाओं ने बहुत मेहनत की है, वरना ज्यादा कोऑपरेटिव मूवमेंट आज तक चली नहीं सकी। लालजी व्यापारी उसे तुरंत ही खत्म कर देते हैं। इसीलिए आज मेरा एक रिक्वेस्ट है, बहुत से पुरुष जिनकी डेथ हो गया है या ड्रग एडिक्ट हो गए हैं या उन महिलाओं को छोड़कर चले गए हैं, ऐसी महिलाओं को लिज्जत पापड़ काम दे रहा है। अगर जिंदगी में कपड़ खरीदना है तो लिज्जत का ही खरीदे, क्योंकि ये 45,000 औरतें नहीं बल्कि 45,000 परिवार है। लिज्जत ने इन महिलाओं को सच में इज्जत दी है, और उसी इज्जत को बरकरार रखने के लिए आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार को भेजें। और हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।